गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। चलो अभी स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के फर्स्ट चैप्टर से। रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सब भाई इतने देखे। सबको पीपीटी दिख रहा है? यस और नो? यस ओके ओके ओके। सर। अभी माइक म्यूट कर दो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बीच में से पूछेगा, अदरवाइज अभी माइक म्यूट कर दो। चलो फर्स्ट है, हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हम जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो ओके, बीच में कोई एडिटिंग नहीं करेगा तो बीच में ये जो एडिट कर रहा है कोई एडिट नहीं करेगा। सर डिसेबल कर दो। हाँ ओके चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम से। हम तो नंबर सिस्टम कहाँ से हम स्टार्ट किए थे? टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर क्या है? नंबर मतलब कि जो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसको बोलेंगे नंबर बोलेंगे। सब अपना माइक म्यूट रखेंगे। फर्स्ट है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, तो इसका आंसर सिंपल तैयार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो सारे क्या है? काउंटिंग नंबर। और उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंक्लूडिंग 0 इज नेचुरल नंबर। अगर ये जो नेचुरल नंबर है उसके अंदर हम 0 इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 है तो उस काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। इसके अंदर अगर मैं 0 ऐड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। एंड आफ्टर इंक्लूडिंग द नेगेटिव नंबर, यहाँ पे ये सारे जो नंबर दिख रहे हैं वो सभी के सभी क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऑल आर पॉजिटिव नंबर। और उसके अंदर अगर हम नेगेटिव इंक्लूड करते हैं, -1, -2, तो वो सारे नंबर हो जाएंगे इंटेजर नंबर। तो नेचुरल नंबर जो सिर्फ काउंटिंग नंबर है उसके अंदर 0 को ऐड किया तो होल नंबर, उसके अंदर -1 नेगेटिव नंबर को ऐड किया तो इंटेजर नंबर हो गए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जो इंटेजर है, ओके, यहाँ पे ये जो सारे इंटेजर है उसको हम इस फ्रैक्शन में लिखते हैं कि पी बाई क्यू में, इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो ये सारे नंबर क्या बनते हैं? तो इसको हम क्या क्या नेम देंगे? जिसका न्यूमरेटर क्या है? इंटेजर है। और जो डिनोमेटर है वो नॉन जीरो इंटेजर होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कि डिनोमीटर नॉन जीरो इंटीजर? डिनोमीटर 0 में नहीं हो सकता, नहीं लिख सकते, क्योंकि 1/0, 2/0, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर 0 से डिवाइड करने जाएंगे तो वो नॉन डिफाइंड टर्म आएगा, मतलब कि इनडिटरमाइन टर्म हो गए। उसको 0 से डिवाइड करना हमारे लिए मतलब कि कोई नहीं कर सकता, वो मैथ्स के टर्म में इनडिटरमाइन टर्म में डाल दिया है, तो उसको हम काउंट नहीं करते। इसीलिए हम यहाँ पे जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है तो उसको हम डिफाइंड करेंगे। तो ये 4/5, सॉरी 5/9, -3/1, 4/3, 1/5, ये सारे जो न्यूमरेटर और डिनोमेटर है, मतलब ये सारे इस नंबर को जो इंटीजर्स थे, इंटीजर्स का मीनिंग क्या है? जो कंप्लीट नंबर है, जिसके अंदर मतलब कि कंप्लीट नंबर के 1 तो उस वो एक पूरा कंप्लीट है, 2 एक पूरा कंप्लीट नंबर है, 3 एक कंप्लीट नंबर है। अब जो ये 5/9 है, -4/3 है, -1/2, ये सारे कंप्लीट नहीं है, मतलब कि आधे अधूरे नंबर है, तो वो सारे आधे अधूरे नंबर है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। ओके, अब ये जो फ्रैक्शन नंबर है
तो इंटेजर्स के अंदर अगर फ्रैक्शन नंबर भी ऐड हो जाए तो फ्रैक्शन नंबर को भी साथ हम ले रहे, तो वो सारे इंटेजर्स एंड फ्रैक्शन दोनों मिला के हमें क्या बनाएंगे, रेशनल नंबर बनाएंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, इफ पी इज एन इंटेजर एंड क्यू इज अ नॉन जीरो इंटेजर देन पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। किसी भी कंप्लीट नंबर को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास वन है तो वन बाय वन, टू है तो टू बाय वन, थ्री है तो थ्री बाय वन। किसी भी कंप्लीट नंबर को भी हम यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसीलिए सभी रेशनल नंबर के अंदर इंटेजर भी आएंगे और नॉन इंटेजर, यानी कि नॉन इंटेजर को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जो वर्ड कई बार नहीं दिया होता तो हायर स्टडी में देखने को मिलता है कई बार, तो हम नॉन इंटेजर को भी फ्रैक्शन बोलेंगे। इफ पी इज एन इंटेजर एंड क्यू इज एन नॉन जीरो इंटेजर तो पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। तो पी बाई क्यू हमारा यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर दिया है। अब पी बाई क्यू हमारा रेशनल नंबर है तो 9/4, 11/3। अब उसका डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, यहाँ पे जो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज है हमने प्रीवियस में भी पढ़ा होगा, तो अभी यहाँ पे जो हमारा पढ़ना है मतलब कि रेशनल एंड इरेशनल के बीच पढ़ना है कुछ, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो रेशनल नंबर पर डिपेंड है। तो यहाँ पे हम उसकी इंफॉर्मेशन के जो रेशनल नंबर है, जैसे कि आगे के जो इंटेजर्स है तो वो डेसिमल फॉर्म में, मतलब कि वो कंप्लीट है तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे जो कुछ नंबर ऐसे है कि जैसे कि 9/4 है, फ्रैक्शन है, तो उसको हम ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको हम डेसिमल फॉर्म की नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर डेसिमल नंबर के फॉर्म में लिखना है, जैसे कि 9/4 है तो उसको मैं डेसिमल में लिखूंगा, तो यहाँ पे देख सके कि 2.25 लिखा हुआ। ओके, 2.25। और 11/3 है तो 3.6666। आपको 9/4 को, 9 को 4 से डिवाइड करोगे 2.25 मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब कि उसका डेसिमल फॉर्म क्या है, टर्मिनेटिंग है, बस यहाँ तक आपको पॉसेंट मिलेगी 2.25। बट जब 11 को आप 3 से डिवाइड करने जाओगे तो पॉसेंट है वो आपकी 3.6666 चलता ही जाएगा और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक 9/4 भी रेशनल है और 11/3 भी रेशनल है, बट 9/4 रेशनल है पर साथ ही के साथ वो क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्योंकि टर्मिनेटिंग है इसीलिए उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 2.25 है, एंड 11/3 है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए 3.666 वो आगे चलता ही जाएगा और वो पर्टिकुलर एक पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर 6 रिपीट हो रहा है तो 6 ही रिपीट होगा, अगर 3 रिपीट हो रहा है तो 3 रिपीट होगा, कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीटेशन होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो डेसिमल फॉर्म है जो 2.25 उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग फॉर्म, यहाँ पे जो 3.666 है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो रेशनल फॉर्म में जो रेशनल नंबर है उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे हम, तो वो या तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। अगर कई बार हमें डेसिमल फॉर्मेट दिया है और बोला है कि रेशनल नंबर है कि नहीं चेक करो, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो 100% वो रेशनल नंबर है, अगर नो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है तो रेशनल नंबर है, पर सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, मतलब उसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहे, नंबर रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग टाइप के नंबर मिलते हैं, तो वो नंबर हमारा रेशनल नहीं होगा। और जो नंबर रेशनल नहीं है वो सारे नंबर क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। तो नेक्स्ट, तो पी, तो यहाँ पे रेशनल नंबर के पी इज एन इंटीजर एंड क्यू इज अ नॉन इंटीजर देन पी बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर एंड डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलर कंप्लीट डेफिनेशन है रेशनल नंबर की। और यहाँ पे जो 3.66 है उसको हम 3.6 बार करके लिखते हैं, क्योंकि बार बार 6 ना लिखना पड़े, 6 बार लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि 6 आगे क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। 4.91, 4.9, अब ये जो नंबर है 4.91, 4914, यहाँ पे कोई रिपीटेशन देखने को मिल रहा है, यस, कि 9114, 914, 914 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नंबर मेरे लिए क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसको लिखना है तो 4.914 बार करके हम लिखेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर। ओके, चलो फर्स्ट नंबर है वो हमारा रेशनल है, आपको बोलना नहीं है पर अपने दिमाग में गैस करना है, मैं उसके बाद आंसर देख पाऊंगा। फर्स्ट नंबर है तो देखते हैं कि ऊपर बार दिया है तो 100% वो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0.04
उसके बाद ईट रिपीट पर। ऐसा नहीं कि सब पॉइंट के बाद सारे नंबर रिपीट होने चाहिए, कुछ पैटर्न तक नहीं रिपीटेशन चल रहा, फिर उसके बाद जो लास्ट डिजिट है उसे देखना है कि लास्ट डिजिट वाला जो लास्ट नंबर है या तो लास्ट डिजिट वो रिपीट हो रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे 0.48 उसके अंदर ईट रिपीट हो रहा है, मतलब कि वो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, इसलिए उसको हम बोलेंगे रजिस्टर नंबर है। यहाँ पे अभी देखा एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, तो मतलब कि वो रेशनल नंबर है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, तो मतलब कि ये रेशनल है। यहाँ पे ये देख नंबर देखते हैं कि 0.01225478 2.5 मतलब 285, मतलब कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, मतलब कि कोई रिपीटेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर नहीं है। और जो नंबर रेशनल नहीं होते वो सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग विद नॉन रिकरिंग मींस इट इज इरेशनल नंबर। ओके नेक्स्ट है 3.14159.265, तो ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो इसको भी बोलेंगे नॉट रेशनल। नॉट रेशनल यहाँ पे लिखा है, पर वो नॉट रेशनल क्या है, इरेशनल है, आगे जाके हम देखेंगे। और ये जो वैल्यू दिख रही है 3.14 किसके वैल्यू है, किसके रिलेट कर रही है, ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है ये पाई की वैल्यू है। अगर पाई को अगर आपको एमसीक्यू दिया है कि पाई इज रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर, तो पाई को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर देंगे, कि पाई की वैल्यू 22.7 या तो 3.14 वो सिर्फ अप्रोक्स वैल्यू है, 100% मतलब कि सही वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। तो ये आपको दिमाग में नोट के तौर पे रखना है कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज अ इरेशनल नंबर, ये आपको याद रखना है। ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है वो वैल्यू किसकी है, पाई की वैल्यू है, कि पाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके तो ये नोट करके आप याद रखना, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है पाई इज अ इरेशनल नंबर। ओके अब नेक्स्ट ओके नॉन टर्मिनेटिंग, अब ये जो दूसरा है 2.6 इसके अंदर भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। उसके बाद 1.90375 1.55569, मतलब यह भी कोई हमें रिपीटेशन नहीं दिख रहा, तो इसको भी हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या तो नॉन रिकरिंग, तो नॉट रेशनल नंबर। नॉट रेशनल मतलब क्या, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो नॉट रेशनल का मीनिंग क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। ओके ये हमें याद रखना है। तो ये सारे के सारे हम जो लिख रहे हैं मतलब किसके लिए है, यहाँ पे हम बोलेंगे ये सारे सारे क्या है, इरेशनल नंबर है, याद रखना है हमें। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, मतलब क्या है रेशनल नंबर। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन बेसिक कौन। ओके नो सर, ओके ओके किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, आगे नो बढ़ेंगे। सर, ओके क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं अभी। विच टाइप ऑफ नंबर आर देयर, मतलब ये किस टाइप के नंबर, जैसे कि अभी आपने हमने आगे नंबर देखे कि जो नॉट रेशनल लिख रहा है, तो हम सबको पता है कि जो रेशनल नहीं है वो सारे कौन से हैं, इरेशनल नंबर है, तो इसको हम आंसर दे देंगे भी नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग है, तो वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर वो डेसिमल फॉर्म। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी है तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अ नंबर डेसिमल फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, देयर आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक अलग तरीके से कि जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, कि लाइक जैसे कि √2 है, √2, तो उसका हम परफेक्ट, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस सबको हम भी क्या बोलेंगे, वो सारे इरेशनल नंबर है, जैसे कि √2, √3। अब √4 है तो √4 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्या होगा 2, तो ये 4 स्क्वायर रूट है। फिर यहाँ पे
रूट नाइन है, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका रूट निकालेंगे तो फिर हमें 3 मिलेगा। रूट 5, रूट 7, तो ये सारे नंबर है, तो वो सारे क्या है, इररेशनल नंबर। ओके क्लियर। यस नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, उसको भी हम इररेशनल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट रूट, जैसे कि आपने देखा है रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, ओके, सभी के सभी नंबर स्क्वायर रूट ऑफ नंबर आर होते हैं। नेक्स्ट नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे एक बार फिर से कि नेचुरल नंबर सबसे बेस में आता है, सबसे बेस, और उसके अंदर 0 ऐड किया तो होल नंबर मिला, उसके अंदर माइनस ऐड किया नेगेटिव तो इंटीजर मिला, तो ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव। फिर उसके साथ क्या है, दूसरे नॉन इंटरमिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये सारे जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फॉर्म में हो गए। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर आते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस पता होना चाहिए। रेशनल के लिए बोलेगा तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा, और इरेशनल के लिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। ओके, बट जब हम रेशनल और इरेशनल सबका कलेक्शन कर लेते हैं, जब हम रेशनल एंड इरेशनल सब दोनों का कलेक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो हमें सेट मिलता है, उसके बाद जो कलेक्शन मिलता है नंबरों का, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। इस रियल नंबर पे ही पूरा कैलकुलेशन टिका हुआ है। इसके आगे भी एक नंबर सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम क्या है, अभी बेसिक बता दो कि आपको भी आइडिया हो, जो 11th में जाके आप पढ़ोगे अगर मैथ्स सिखा दो। जैसे कि अंडर रूट के अंदर जो -1 होता है, रूट अंडर रूट -1 है, तो उसका हम रूट नहीं निकाल सकते। मतलब कि जो नेगेटिव नंबर है, हमने रूट निकालना सीखा तो किसका सीखा है, कि वे पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, पर जो नेगेटिव नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। और उन लोगों की कुछ जगह पे ऐसे प्रॉब्लम, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी कि जहाँ पे ये सब नहीं पॉसिबल था, तो कैलकुलेशन में आसान बनाने के लिए, मैथ्स को आगे ले जाने के लिए उन्होंने एक नया नंबर सिस्टम डेवलप किया जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जो हम 11th में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है रियल नंबर सिस्टम। अब उसके आगे जाते हैं तो बेसिक हमारे जो, तो ये रियल नंबर सिस्टम मतलब जिसके अंदर रेशनल नंबर भी है और इरेशनल भी नंबर है, मतलब जितने रियल वर्ल्ड के रियलिस्टिक नंबर है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है कि 8 बाई 2, तो यहाँ पे डिवीजन में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें आते हैं, और डिवीजन का एक रूल भी देख लेते हैं कि 8 बाई 2 है तो 8 बाई 2 को मैं करूंगा तो यहाँ पे 4 कोसेंट होगा, और यहाँ पे मुझे देखना है। अब यहाँ पे मैं बता दूंगा कि कौन क्या चीज है, जैसे कि ये मेरा 8 है, 8 को मैं क्या बोलूंगा, डिविडेंड बोलूंगा, 2 को मैं डिवाइजर बोलूंगा, 4 को मैं कोसेंट बोलूंगा, 0 को मैं रिमाइंडर बोलूंगा। ठीक, जैसे कि 8 मेरा क्या होगा, डिविडेंड होगा, 2 डिवाइजर है, 4 कोसेंट है, एंड 0 मेरा रिमाइंडर है। तो यहाँ पे एक रूल है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। यहाँ पे जो हेडिंग पे दिख रहा है आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसको हम क्या बोलेंगे, एक डिविजन मतलब कि एल्गोरिथम भी है जो आप डिविजन लेमा भी बोलते हैं, जो 10th में है पर सिलेबस से कट है, पर ये यूज कर सकते हैं देख पा रहे हैं। ओके, तो 8 + 2 इज इक्वल टू, तो ऐसे ही इसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉर गिवन है एनी टू, मतलब कि ऐसा कोई भी दो नंबर ले लोगे तो उसके लिए आपको ऐसे बी और के, पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम स्किप करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेना है तो उसको स्किप करते हैं। अब क्वेश्चन 1 है, एक्सरसाइज 1.1, हम यहाँ पे जो रिविजन चल रहा है तो एक्सरसाइज भी देख लेंगे, एग्जाम्पल नहीं देख पाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, जिससे हमारी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, प्रीप्रिंट रिवीजन हो जाएगा। ओके, सबको यहाँ पे मजा आ रहा है ना, कोई सो नहीं गया ना? यस यस सर ओके, यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, इज 0 अ रेशनल नंबर एंड कैन यू राइट द इन द फॉर्म ऑफ द पी बाई क्यू। 0 को हम पी बाई क्यू, वो पहले पूछ रहा है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो हमने आगे ही देखा कि मैंने देखा कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, सबको हमने एक साथ कलेक्ट किया और उन सबको क्या बोल दिया, रेशनल बोल दिया।
100% जीरो क्या रेशनल नंबर है, तो हमारा आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ओके। या फिर ऐसे दिया है, पर हमने आपको लिख के बता दी यस जीरो इज, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ओके। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय पी एंड क्यू, बेटा म्यूट करो माइक, जिसका भी माइक अनम्यूट है माइक म्यूट कर देगा, चेक करेगा। तो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज अ नॉन जीरो, यस क्यू बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हाफ पे जीरो बाय वन भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने पी इज इक्वल टू जीरो लिया एंड क्यू इज इक्वल टू वन लिया। इसी तरह आप डिनोमेटर में कोई भी नंबर लिखो, आपको आंसर में क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि जीरो से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे। इसलिए इन जनरल लिखना है तो जीरो बाई एन लिख दो कि पी, और आंसर आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। और यहाँ पे लिखे कि पी इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू एन इज एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर को ले सकते हैं। डिनोमीटर में कोई भी नंबर ले लो एक्स वाई जेड, पर वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। रेशनल लेंगे इरेशनल लेंगे, पर हमें क्या है रेशनल बताना है, तो सारे इंटीजर ही लेना पड़ेगा, कोई भी इंटीजर लेंगे। यहाँ पे लिखूंगा एन इज एनी नॉन जीरो इंटीजर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो डेफिनेशन के साथ वो एडजस्ट होना चाहिए। इसीलिए यस एनी डाउट सर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे क्या, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं? यस क्यों नहीं आ सकते, टेक्स्ट बुक में है तो क्यों आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ऐसे क्वेश्चन है तो थोड़े ट्रिकी हो गए, ऐसे नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन आए, और ये सब फंडामेंटल है, ये क्लियर होगा तभी आपको दूसरे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, ऐसा कुछ टेक्स्ट बुक के बाहर का आएगा तो पता चलेगा। और ये रिविजन क्लास हम दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे, इसके बाद ये पूरा इंट्रोडक्शन एक मतलब एक बार नोट्स खत्म हो जाए तो उसके बाद एसेशन रीजन क्वेश्चन एंड केस बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। पर ये थोड़ा खत्म हो जाने के, क्योंकि फर्स्ट डे है और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, तो उसके बाद दूसरे और भी क्वेश्चन है जो हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ओके। ओके सर, चलो आगे देखते हैं अभी, ये यहाँ पे लिखा कि 0/1 जो हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक्सरसाइज करते हैं, दूसरा मेरे पास और क्वेश्चन है वो हम कल लेके आए, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू की ज्यादातर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो एमसीक्यू कल हम एमसीक्यू और एसएसएन बेस्ड रीजन करेंगे, नंबर सिस्टम के रिलेटेड जो एमसीक्यू होंगे, 10 मिनट लेफ्ट है, कोई अभी से नहीं चला जाएगा, 10 मिनट के बाद जाएंगे सब एक साथ। चलो फिक्स फाइंड अ सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ये सबको आता ही होगा कि 3 और 4 दिए, 3 एंड 4 दिए, उसके लिए मुझे 6 रेशनल नंबर है। पैटर्न क्या होगा, अगर 6 रेशनल नंबर है तो मुझे 3 एंड 4 को किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, 7 से, ओके। मतलब कि जो नंबर जितने नंबर बोले हैं उससे एक बड़ा नंबर होना चाहिए, अगर 6 बोला है तो 7 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आपको हमें 6 रेशनल नंबर मिलेंगे। और ये नहीं है कि सबका आंसर सेम ही आए, कई बार क्या करते हैं कि सर इसका आंसर अलग आ रहा है, मेरा आंसर अलग आ रहा है, पर ये है तो रेशनल नंबर है, 3 एंड 4 के बीच है, तो ऐसा बता दो कि 3, 3 एंड 4 की बहुत सारे रेशनल नंबर है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेगी, इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। इवन हम यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख दू कि 3 एंड 3.1, अगर उनके बीच मुझे रेशनल नंबर लिखने हैं तो भी मुझे इनफाइनाइट रेशनल नंबर बोले। अगर आपको ऐसा दिया जाए कि 3.1 एंड 3.2 इनके बीच रेशनल नंबर निकालो, कितने 100 निकालने हो, इनफाइनाइट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऐसा ही तो पॉइंट में दिया, जैसे कि 3.1 है तो 3.1111 लिखते जाओ, वहां पे 2 मत करो, बहुत सारे जितने आपको निकालने उससे उतने निकाल सकते। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में कोई फिक्स आंसर नहीं होता कि भाई यही आंसर आना चाहिए, 6 से ही मल्टीप्लाई कर, मतलब कि 7 से ही मल्टीप्लाई करना चाहिए, आप 8 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, पर ये रेशनल नंबर फाइंड करने का एक तरीका है, एक पैटर्न है, तो आपको क्वेश्चन आसान हो,
ऐसा नहीं कि भी यही मेथड, अब मेथड बहुत सारी, दूसरे भी मेथड है, डिवाइड करके भी कर सकते हो, ओके आप एवरेज निकालने के बाद भी एवरेज निकाल के भी कर सकते हो। देखिए दूसरे मैटर है कि मैं क्या करूंगा, 3 + 4 / 2 तो 7/2 मिला, एक नंबर तो मिला मुझे। अब मैं क्या करूंगा, 3 + 7/2 ऐसे दो दो नंबर का डिवीजन करते जाऊंगा, एवरेज मैं टुकड़े करता जाऊंगा, तो ऐसे जो पार्ट मिलेंगे तो उसके अंदर ये 7/2, इसके बाद यहाँ से एक नंबर मिलेगा, फिर से मैं उसको 2 से डिवीजन, प्लस करके 2 से डिवीजन करूंगा, प्लस करके 2 से डिवीजन करूंगा, तो ये डिवीजन जितनी बार करूंगा उतने मुझे रेशनल नंबर मिलते जाएगा यहाँ पे। ओके तो ऐसा नहीं है कि आपको ये 6 7 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 7 से मल्टीप्लाई करना एक हमारे लिए क्या है, मैथड है। कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, डिवीजन वाले भी कर सकते हो और आप होम मेथड भी यूज कर सकते हो। ओके ओके ऐसा नहीं एग्जाम में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड लिखी गई है वो देख लेते हैं, तो 3/1 है तो यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 3 को मेंटेन रखना है, 21/7। इसी तरह यहाँ पे 4 है तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से डिवाइड 7 से, मतलब 80 28/7। अब यहाँ पे 21 नहीं, 21 एंड 28 नहीं आएगा, 22/7, तो यहाँ पे 21 और उसके भी टोटल हमें 7 नंबर, ऐसे 6 नंबर मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 22 से बड़ा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हमें जो चाहिए थे वो नंबर हमारे, ये टोटल 26 नंबर हमें मिल गए, इनको लास्ट के दोनों को छोड़ के जो बीच में 6 नंबर है तो हमारे क्या हो गए, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्लियर? यस।